ओके तो अब आरडीजे के डूम के रिटर्न के बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं क्रिस इवांस के एमसीयू में वापस आने की। अब आप बोलोगे कि वो तो ऑलरेडी डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूमन टॉर्च के रोल में वापस आए थे, लेकिन वो डेडपूल में आए भी और गए भी। सीरियसली गाइस, कैप्टन अमेरिका इज अबाउट टू रिटर्न इन अपकमिंग मूवीज। कौन सी मूवी में वो आएंगे एंड कैसे आएंगे सब बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एमसीयू जिस तरह से अपने एक फ्लॉप जोन से बाहर निकलने के लिए बोल्ड कास्टिंग चॉइसेस ले रहा है लाइक आरडीजे एज डॉक्टर डूम, इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे जैसे हम मल्टीवर्स सागा के फिनाले यानी सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ेंगे, हमें और भी तगड़े तगड़े सरप्राइजेस हर एक आने वाली मूवी और सीरीज में देखने को मिलेंगे। और बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में क्रिस इवांस का डेब्यू हुआ था, और 2019 में एंड गेम में सैम को शील्ड पकड़ाकर वो खुद पेगी के पास चले गए थे टाइम ट्रेवल करके। और 2011 से 2019 तक इन 8 सालों में उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर साल लगभग एक मार्वल मूवी में तो आते ही आते थे। ये रिकॉर्ड सिर्फ उनके नाम है और किसी भी मार्वल सुपर हीरो या हीरो के नाम पे ये रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कैमियो कर सकते हैं, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि ये सैम विल्सन की पहली सोलो मूवी है, नया कैप्टन अमेरिका की पहली सोलो मूवी है। और अगर इसमें ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका आ गए तो भाई डेफिनेटली इससे सैम की कैप्टन वाली इमेज पर बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, और मार्वल कतई उसकी पहली मूवी में तो ऐसा नहीं करना चाहेगा, आगे वाली मूवीज में कर दे तो पता नहीं। सो यहाँ पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आप कैप्टन के आने की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। हाँ, किस मूवी में वो आएंगे अब वो बताता हूँ। सो मार्वल ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रूसो ब्रदर्स को लाने के साथ साथ आरडीजे को भी रिवील कर दिया। दैट क्लियरली मींस कि मल्टीवर्स सागा के एंड के लिए अब मार्वल अपनी बिग गन्स निकाल रहा है। कैंग ने जिस मूवी में डेब्यू किया था यानी क्वांटम मेनिया, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से फ्लॉप ही रही थी, और उसके बाद जोनाथन मेजर्स जो कि कैंग के एक्टर हैं उन पर चार्जेस वगैरह लगे, तो उसके चलते भी मार्वल को उन्हें फायर करना पड़ा। इसी की वजह से मजबूरी में मार्वल को एक नया विलन चाहिए ही चाहिए था, और मार्वल ने यहाँ पर एक बहुत ही रिस्की और एक बोल्ड कदम उठाया आरडीजे को एज डॉक्टर डूम वापस लाकर। लेकिन इस पूरे सीन में क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका कहां पर फिट होता है? वेल, डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूमन टॉर्च का वापस आना ये खुद में एक इशारा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें दूसरी मूवीज में कैप्टन अमेरिका मतलब क्रिस इवांस दिखाई दे सकते हैं, और मार्वल क्रिस इवांस को फाइनल मूवीज के लिए डेफिनेटली वापस ला सकता है। फाइनल मूवीज मींस एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। कैप्टन बनने से पहले क्रिस इवांस एमसीयू में ह्यूमन टॉर्च थे, और दो फैंटास्टिक फोर मूवीज में इन्होंने ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था। ऑल्दो फैंस खुश तो बहुत हुए थे ह्यूमन टॉर्च को वापस देखकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में, मैं भी काफी खुश हुआ था, लेकिन ये खुशी 5-10 मिनट से ज्यादा की नहीं थी, क्योंकि कैसेंड्रा ने जिस तरह से भाई ह्यूमन टॉर्च को मारा था, मेरे ख्याल से शायद से इतनी दर्दनाक मौत अभी तक एमसीयू में किसी भी दूसरे सुपर हीरो की नहीं हुई है। कैसेंड्रा ने उसकी खाल खींच ली थी, मतलब ऊपर की पूरी स्किन निकाल दी थी, और बचा गया था हड्डियां और उसका फ्लैश। बहुत एम्बेरसिंग डेथ थी भाई इसकी, बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग। भले ह्यूमन टॉर्च मर गया हो, लेकिन कैप्टन अमेरिका अभी भी जिंदा है, बस वो बूढ़े हो गए थे और एंड गेम के बाद से हमें वो दिखाई नहीं दिए हैं। दैट क्लियरली मींस कि ही कैन इजिली मेक अ रिटर्न। और वैसे भी ऑफिशियली अब क्रिस इवांस का एमसीयू में रिटर्न तो हो ही चुका है एज ए ह्यूमन टॉर्च, तो अब मार्वल उनके इस शॉर्ट कैमियो को एक फुल ऑन रिटर्न में कन्वर्ट कर सकता है इन दी अपकमिंग मूवीज, या तो एवेंजर्स डूम्सडे में या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। बट ये याद रखिएगा आप दोस्तों कि ये जो रिटर्न होगा उनका, ये सिर्फ फाइनल मूवीज के लिए ही होगा, यानी डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। इसके अलावा किसी भी मूवी में नहीं, किसी भी शो में नहीं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में नहीं, फैंटास्टिक 4 में तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। क्रिस इवांस ने यह भी बोला था कि अराउंड 20 साल बाद ह्यूमन टॉर्च, जो कि उनका पहला सुपर हीरो रोल था, उसमें वापस आने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था, बिकॉज ऑनेस्टली किसी ने नहीं सोचा था कि ह्यूमन टॉर्च वापस आ सकता है। लोग तो बस इन्हें कैप्टन के तौर पर जानते हैं, ह्यूमन टॉर्च को तो काफी हद तक लोग भूल ही चुके थे। एंड विद आरडीजे बैक एज डूम, अब हमें ये भी नहीं पता कि नया आयरन मैन कौन होगा, आरडीजे ही होंगे या फिर टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन आएगा। सो ऐसे में एक बड़ा फेस, एक बड़ा सुपर हीरो तो चाहिए ही चाहिए जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे के डूम के अगेंस्ट खड़ा हो सके, उससे लड़ सके। और देखा जाए तो एवेंजर्स के जितने भी पुराने मेन बैटल्स हुए हैं, सबके सब कैप्टन की लीडरशिप में लड़े गए हैं, और फिलहाल मार्वल के पास ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जो कि सारे नए जो एवेंजर्स हैं उन्हें लीड कर सके, उन्हें रास्ता दिखा सके। तो इस वजह से मार्वल यहां पर कैप्टन को डेफिनेटली वापस ला सकता है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आरडीजे के डूम से लड़ने में एवेंजर्स की मदद कर सकता है। सो डेफिनेटली अब मार्वल के पास सारे ऑप्शंस ओपन है, टेबल पर हैं, और एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इन दोनों मूवीज को एंड गेम से बड़ा बनाने के लिए भी उसे इन सारे ऑप्शंस का यूज करना ही पड़ेगा। सो क्रिस इवांस का एज कैप्टन अमेरिका वापस आना, वेल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे आरडीजे वापस आ गए हैं वैसे ही आज नहीं तो कल मार्वल विल नीड कैप्टन अमेरिकाज गाइडेंस एज वेल। अब एक और भी बहुत बड़ा रीजन है क्रिस इवांस के एमसीयू में वापस आने का, और
ये जो रीजन है ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। एक्चुअल में क्रिस इवांस ने एमसीयू को छोड़कर जितनी भी नॉन एमसीयू मूवीज रिसेंटली करी हैं वो ज्यादातर एक तरह से फ्लॉप ही हुई हैं। चाहे आप द ग्रे मैन ले लो या फिर घोस्टेड की बात कर लो, पेन हसलर्स, ये सारी मूवीज ऑलमोस्ट फ्लॉप रही हैं या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना कि इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अभी रिसेंटली तो क्रिस इवांस की द रॉक के साथ एक मूवी आने वाली है, रेड वन, जिसका नाम है, शायद आपने उसका ट्रेलर भी देख रखा होगा। ट्रेलर तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि नॉन एमसीयू मूवीज में क्रिस इवांस उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना कि वो एक्सपेक्ट करते थे। सो जिस तरह से मार्वल को आरडीजे की जरूरत थी, उसी तरह से क्रिस इवांस को मार्वल की जरूरत है। सो ही कैन इजिली बी ब्रॉट बैक। उनको लाने में भी भाई मार्वल को कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, वो आसानी से वापस आने के लिए मान भी जाएंगे। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि उनका कमबैक होगा कैसे। तो देखो, इसके तीन पॉसिबल वेज हैं और जो पहला मैं बताने जा रहा हूं इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन इसके बाद जो बताऊंगा इसके उसके मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो पहला तरीका तो यही है कि जो अपनी मेन सेक्रेट टाइमलाइन के कैप्टन है, जो बुढ़ाऊ है, इनको वापस ही उसी मशीन के थ्रू जवान कर दिया जाए और वापस ले आया जाए एक लास्ट फाइट के लिए। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि क्रिस इवांस ने एक इंटरव्यू में ये साफ बोला था कि कैप्टन अमेरिका का रोल उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है और उनके हिसाब से एंड गेम में कैप्टन को एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। दैट मींस एंड गेम वाला जो वर्जन है उनके हिसाब से अब उसे वापस नहीं आना चाहिए। उनके हिसाब से लाने को तो मार्वल वापस ला सकता है यार, बट उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अगली जो पॉसिबिलिटी है इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। और वो पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिस इवांस मल्टीवर्स के किसी और कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट के तौर पर वापस आ सकते हैं। और इन्हें लाएगा कौन? ऑब्वियसली एवेंजर्स, ताकि कैप्टन का ये नया वेरिएंट एवेंजर्स की मदद कर सके डॉक्टर डूम से लड़ने में। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो तो भाई सबसे ज्यादा तगड़ी है, वो तो यही है कि डॉक्टर डूम इफ टोनी स्टार्क का इविल वेरिएंट होगा तो उस यूनिवर्स का जो कैप्टन अमेरिका होगा वो भी इविल होगा और वो भी डॉक्टर डूम के साथ, आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ में काम करता होगा। बाय द वे, क्रिस इवांस ने ये फोटो डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट से शेयर की थी जिसमें उन्होंने सभी को थैंक्स बोला है, बट स्पेशल थैंक्स बोला है डेडपूल को, जिसकी वजह से उनका रिटर्न पॉसिबल हुआ है, वो भी एज जॉनी स्टॉर्म एज ह्यूमन टॉर्च। और भाई जिस तरह से एंड गेम के फाइनल बैटल की शुरुआत हुई थी जब थानोस आया था, तो थानोस वर्सेस द बिग थ्री यानी थॉर, आरडीजे का आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। अब देखो, थॉर तो एमसीयू में था ही, उसे तो कभी हटाया नहीं गया, और अब आरडीजे भी वापस आ चुके हैं, बचा कौन? क्रिस इवांस, कैप्टन अमेरिका। सो यस, ही विल डेफिनेटली बी बैक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, मेरे ख्याल से मार्वल ने सैम को अगला कैप्टन बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि देखो कैप्टन अमेरिका एक बहुत ही बेसिक सुपर पावर वाले एवेंजर हैं, ठीक है, उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा एजिलिटी है, स्पीड भी उनकी बहुत ज्यादा है, बेसिकली ही इज अ सुपर सोल्जर, यानी एक सुपर सोल्जर ही कायदे से देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका बनना डिजर्व करता है। और मार्वल के पास एक सुपर सोल्जर ऐसा था भी, कौन? बकी बांस इज अ सुपर सोल्जर हु हैज ऑलमोस्ट द सेम एबिलिटीज जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका, बट सैम विल्सन ही इज जस्ट सैम, उसके पास ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज नहीं है, बस उसका वही फाल्कन वाला सूट है। और देखा जाए तो सैम को देखकर भाई कैप्टन अमेरिका वाला फील कहीं से नहीं आता है। आपको आता है क्या, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसे देखकर मतलब ठीक है, अपनी जगह है, मार्वल ने किया जो किया, लेकिन सैम को देखकर बस यही लगता है कि भाई वो फाल्कन ही है, कैप्टन अमेरिका और उड़ने लगे, भाई इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता यार। कैप्टन जमीन पर तेजी से दौड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं अपनी शील्ड के साथ। तो सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ये सारी जो सुपर पावर्स थी ये कैप्टन अमेरिका पर काफी ज्यादा सूट करती थी। और सैम ये तो भाई सच में पंख निकालता है तो बस फाल्कन ही लगता है। ये तो भाई वही केस हो गया कि जैसे हमसे कहा जाए कि भाई लो रॉबिन ही बैटमैन है अब। एनीवेज, तो ये तो मेरे दिल का दर्द था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप बताओ, सैम के साथ आपको कैप्टन वाली फीलिंग आती क्या? कमेंट जरूर करना। और आपके हिसाब से बेटर चॉइस कौन है कैप्टन के लिए, सैम या बकी, ये मुझे अभी बताओ। इसके साथ ही गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग मार्वल अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु, एंड आई विल सी यू इन next one।